हाईकोर्ट के निर्देश काम में आए। सबसे ज्यादा प्रभावित 6 जिलों को लेकर निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने 6 जिलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए। प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ को निर्देश हैं। कानपुर, गौतम बुद्ध नगर में भी अभियान के चलते निगरानी रखी जाए, इसके निर्देश। और अगले 30 दिनों तक सघन निगरानी की जाए। भीड़ वाले इलाकों में ड्रोन से 24 घंटे निगरानी हो। मास्क पहनने की निगरानी का निर्देश भी दिया गया है। और ग्राफिक्स के जरिए समझिए किस तरीके से हाईकोर्ट जो है वो सख्त होता दिख रहा है बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए। और ज्यादा प्रभावित 6 जिलों में सख्ती के निर्देश दिए गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से। और प्रयागराज है जिसमें, लखनऊ है, गाजियाबाद है, मेरठ है जहां पर केसेस बढ़े हैं, कानपुर है, गौतम बुद्ध नगर है जहां पर अभियान के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि यूपी के 6 वो जिले हैं जहां पर लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ते देखे गए हैं। और 30 दिनों तक कड़ी निगरानी का अभियान चलाया जाए, इसको लेकर भी कहा गया है। भीड़ वाले इलाकों में ड्रोन से निगरानी हो ताकि अगर भीड़ भाड़ होती है तो लोगों को चिन्हित किया जा सके। मास्क पहनने के नियम को करें अनिवार्य, मास्क पहने बिना घर से बाहर ना निकले इसका नियम अनिवार्य किया जाए। खाने पीने के सामान खुले में ना बेचने का भी आदेश दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। और कोर्ट ने 3 दिसंबर की अगली सुनवाई में मांगी है रिपोर्ट, यानी कि 3 दिसंबर को होगी इस पूरे मामले में अगली सुनवाई, जब एक रिपोर्ट सामने रखनी होगी राज्यों को, सरकार को, कि किस तरीके से उन्होंने कोर्ट के इस आदेश को माना है और लोगों ने उसको फॉलो भी किया है। तो कोरोना पर यह हाई अलर्ट है जिसको लेकर हाईकोर्ट नाराज दिखा। और उसके बाद यहाँ पर 6 जिले, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, यहाँ पर अभियान विशेष तौर पर चलाया जाए, ये कहा गया है। तो यूपी के ये 6 वो जिले जो सबसे ज्यादा इस वक्त कोरोना के चलते प्रभावित। हमारे साथ नोएडा से दानिश जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद से लोकेश जुड़ चुके हैं, लखनऊ से अभिषेक जुड़ चुके हैं और मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेंद्र। सबसे पहले हम चलेंगे दानिश के पास नोएडा में। दानिश, नोएडा की तर्ज पर ही गाजियाबाद में हमने देखा चेकिंग शुरू हो गई है, वहां पर ये चेकिंग चल रही है, टेस्टिंग की चेकिंग चल रही है, लोगों को कैसे वहां पर जागरूक किया जा रहा है क्योंकि 10 बज चुका है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए चेकिंग अभी नोएडा में भी शुरू हुई है, हालांकि बिना मास्क की जो चेकिंग थी वो लगातार चल रही है। लेकिन जो चुनौती है सबसे बड़ी प्रशासन के सामने वो ये है कि जो बाजार है, यहाँ जो मुख्य बाजार है, वहाँ पर जो भीड़ होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि उसको काबू कर पाना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी। अब सुबह का वक्त है, थोड़ी देर के बाद बाजार यहाँ पर खुल जाएंगे, उसके बाद किस तरीके से उन बाजारों पर लगाम लगाई, इस तरह का आदेश ये भी हुआ है कि खुले पे सामान ना बेचा जाए, बिना मास्क वाले जो है घूमे ना, भीड़ भाड़ हो, तो ये सारे आदेश कैसे पालन कराया जाएगा ये देखने की बात होगी। क्योंकि नोएडा में भी लगातार जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे थे, जिला प्रशासन अपनी कार्यप्रणाली पूरी तरीके से उसकी फेल थी, कोई भी ऐसे कदम नहीं ठोस उठाए गए जिससे ये कहा जा सके कि हाँ यहाँ पर मरीजों की संख्या कम होगी। अभी टोटल लेके लिए तकरीबन 21,000 से ज्यादा मरीज नोएडा में है, 300 से 170 मौतें हो चुकी हैं, तो इससे खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ये जो कोर्ट का फैसला आया है एक वाकई एक बेहतरीन फैसला है, लेकिन उस फैसले को कैसे अमल लाए ये जिला प्रशासन वो देखने की बात होगी। जी दानिश, अब हम गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लोकेश भी वहां से जुड़े हुए हैं। लोकेश, हाईकोर्ट की सख्ती कैसे दिख रही है गाजियाबाद में अभी आपको? कि अभी तक सख्ती से इस जो कल आदेश दिया गया है, दिशा निर्देश है, इसका पालन कराया जाना प्रशासन की तरफ से शुरू किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही कल अगर बात करें तो डीएम ने सभी व्यापार मंडलों के साथ और संगठनों के साथ बैठक की है और इस बात पर जोर दिया गया है कि जो बाजार है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और इसके साथ ही लगातार जो बाजार है उनके अंदर लोगों की भीड़ कम हो, क्योंकि देखा गया कि दिवाली और तमाम त्यौहार जो आए वहां पर उसके बाद एक पूरे एनसीआर के अंदर और दिल्ली के अंदर खासकर जो संभावना है, जो कोरोना के संक्रमण के केस हैं वो लगातार बढ़े हैं और इसको देखते हुए जो हाईकोर्ट के दिशा निर्देश हैं ये काफी अहम है और सरकार को इस दिशा निर्देशों को लागू करने के बाद जैसा कि 3 दिसंबर को अगली सुनवाई पर अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट भी दाखिल करनी है तो ये एक चुनौतियां होंगी, क्योंकि शादी का त्यौहार, बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और इन सबके बीच अस्पतालों में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, इन सबको लेकर के एक व्यापक तौर पर अभियान चलाने की आवश्यकता है और अभियान काफी हद तक चलाए भी गए हैं और उसको लागू करने के बाद एक कंप्लायंस रिपोर्ट जब दाखिल की जाएगी उसके बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर हाईकोर्ट कोई और भी कड़े दिशा निर्देश अन्य शहरों के लिए भी जारी कर सकता है, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन को आने में जो वैक्सीन है उसको आने के अंदर आशंका जाहिर की जा रही है कि भारत में
फरवरी के पहले हफ्ते में आएगी। तो ये जो 5 से 60 दिन है वो देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से इस तरीके के प्रशासन के जो फैसले हैं तो सरकार के द्वारा लागू कराए जाते हैं वो काफी अहम साबित होंगे। बिल्कुल लोकेश्वर, अब हम सीधे चलेंगे मेरठ, वहां से नरेंद्र हमारे साथ बने हैं। नरेंद्र, आसमान में ड्रोन और जमीन पर भीड़ कैसी दिख रही है आपको, क्योंकि दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण है कोरोना को रोकने के लिए इस वक्त? देखिए, जैसा कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ड्रोन कैमरे से सघन निगरानी की जाएगी, जो घने बाजार हैं, पुराने बाजार हैं जहां पर भीड़भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है और लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही वो मास्क लगा रहे हैं, तो ऐसे में जो दुकानदार हैं और वहां जो आने वाले ग्राहक हैं वो दोनों के दोनों पुलिस और प्रशासन के अफसरों की निगरानी में रहेंगे और लाइव निगरानी में रहेंगे ड्रोन कैमरे के जरिए। दूसरी तरफ जो ऐसे खाद्य पदार्थ जो खुले में बेचे जा रहे थे उन पर भी आज से अभियान चलाकर शिकंजा कसा जाएगा और जो बारात घर जहां पर गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी उस पर भी बीती रात से जो शिकंजा कसना है वो पुलिस ने शुरू कर दिया है। एक बारात घर के मालिक और वहां पर जो नवदंपति थे, वरवधू थे, उनके माता पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। 100 से ज़्यादा बाराती वहां पर इकट्ठे हुए थे और इसी के चलते पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आज देवोत्थान एकादशी है, निश्चित तौर पर हजारों जो शादियाँ हैं वो मेरठ और आसपास के इलाकों में होनी है, उसको देखते हुए भी आज जो पुलिस की टीमें, प्रशासन की टीमें सक्रिय हैं और जहां भी गैदरिंग होती हुई पाई जाती है मानकों के विपरीत तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी सुबह 10 बजे से निकल चुके हैं और जगह जगह जो ड्रोन कैमरे हैं उनको उड़ाकर और उनके जरिए जो बाजार है उन पर निगरानी की जा रही है। शिवांगी। अब बिल्कुल नरेंद्र, देखिए अब हम सीधे लखनऊ चलेंगे, अभिषेक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभिषेक, आप लगातार देख रहे हैं कोरोना को लेकर किस तरीके से तैयारी लखनऊ में है और पूरे यूपी में है, अभी फिलहाल लखनऊ में आप क्या हाल देख पा रहे हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर और तैयारियों को लेकर, ताजा अपडेट कैसी है आपके पास? देखिए, कोर्ट के आदेश के बाद से आज जिला प्रशासन के ऊपर भी बड़ी जिम्मेवारी है, शादियां भी आज से बड़ी तादाद में देखनी जाएंगी। तो जिला प्रशासन ने ऐसे जितने भी शादी घर है, जितनी भी जगहों पर बड़े आयोजन होने हैं, सभी जगहों पर अपनी अपनी इंटेलिजेंस की टीम को रखा है, अपने अपने प्रशासन के लोगों को भेजा है ताकि रिपोर्ट संकलित की जा सके कि कहां पर कितनी भीड़ हो रही है। इसके अलावा जो बड़े और सघन बाजार हैं वहां पर ड्रोन सर्विलांस के जरिए इस बात को देखा जाएगा कि किस क्लस्टर एरिया में ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ताकि उन जगहों पर जाकर के मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, इन तमाम प्रोटोकॉल्स को लागू कराया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी। और ये देखिए, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ हो गया हमारा, गाजियाबाद हो गया, ये वो जगह है जहां पर 30 दिनों तक कड़ी निगरानी रखी जानी है। और देखिए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल